देश की अखंडता को एक सूत्र बांधता, उस रक्षा सूत्र का ही नाम संविधान है, उस रक्षा सूत्र का ही नाम संविधान है। कुमार अकाल जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध को नमन करूंगा और उसके बाद परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करूंगा और सम्मानित मंच को नमन करूंगा और आज के कार्यक्रम में उपस्थित प्रथम पंक्ति के प्रथम व्यक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक बाबा साहब के समस्त बेटे बेटियां जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अपनी कार्यकुशलता का लोहा मनवा चुके हैं, उन सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, जय भीम। और मीडिया से हमारे बीच समतावाज के चीफ एडिटर बड़े भाई मनोज अंतानी और आवाज भारत से जो हमारे बीच आए हैं अमरेश जी, साथ ही साथ राहुल लाइव कुचासी से सीएल बोल जी आए हैं और तमाम मीडिया के बंधुगण, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। आज जो आयोजक कमेटी है उन सभी का भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मेरे एक बड़े दोस्त भी हैं, गुरु भी हैं, जैसे राहुल जी मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे कविताओं का क्या 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 सिखाया, इमरान भाई, तो उनकी चार पंक्तियां मैं मीडिया के लिए और आज की आयोजक मंडली के लिए पढ़ूंगा, फिर मैं कवि पाठ अपना स्टार्ट करूंगा कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, और हमने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। यहाँ से मैं अपनी बात शुरू करूंगा, चार लाइन बाबा साहब के लिए दूंगा कि सपनों को अपने आज पूरा कर रहा हूँ मैं, सपनों को अपने आज पूरा कर रहा हूँ मैं, कारण है इसका भीम जी को पढ़ रहा हूँ मैं, कारण है इसका भीम जी को पढ़ रहा हूँ मैं, जीवन में जो कुछ श्रेष्ठ है सब तुमसे प्राप्त है, जीवन में जो कुछ श्रेष्ठ है सब तुमसे प्राप्त है, उस श्रेष्ठ का ही एक अंश पढ़ रहा हूँ मैं, उस श्रेष्ठ का ही एक अंश पढ़ रहा हूँ मैं। अगर लाइन समझ में आ गई तो आप कार्य में जा सकते हैं। मेरी माताएं बहने इतनी भारी संख्या में आपकी उपस्थिति को बार बार नमन करूंगा और चार पंक्तियां आपको दूंगा कि हम अंबेडकरवादी लोग, बुद्ध को मानने वाले लोग, हम क्या चाहते हैं, हमारी आइडियोलॉजी क्या है, दरअसल क्या है, हम कहते ज्यादा हैं और अमल में कम लाते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए, कहना कम है अमल में ज्यादा लाना है। इतिहास एक शब्द होता है, इतिहास लोग कहते हैं कि जो बीत गया वो इतिहास है, लेकिन इतिहास में जब मैं परिभाषा की बात करूं तो तीन चीजें मिलकर इतिहास बनाती हैं। नंबर एक, वो घटनाएं जो मानव जीवन पर अमिट छाप छोड़े, बाबा साहब के सारे आप कॉमेंट पढ़ेंगे, बुद्ध को पढ़ेंगे, कबीर को, रैदास को, इनकी तमाम घटनाएं मानव जीवन पर अमिट छाप छोड़ती हैं। दूसरी चीज, क्रमबद्धता होनी चाहिए, एक सीढ़ी होती है, बाबा साहब ने हमारे तीन महावाक्य कहे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, लेकिन तमाम राजनीतिक दल में किसी का नाम नहीं लूंगा, लोगों को इल्जा रहे संघर्ष करो, कि संघर्ष करो, बिना शिक्षा के संघर्ष आपको और आपके परिवार को अंधकार में धकेल देगा, एजुकेशन दो पहले, उसके बाद आप संघर्ष करोगे और संगठित होकर आप अपने मूवमेंट को, अपने महापुरुषों के मिशन को बचा पाओगे। तो चार पंक्तियां मैं माताओं बहनों के लिए दूंगा कि ना जन्नत की इच्छा है ना मोक्ष का मैं अधिकारी हूँ, ना जन्नत की इच्छा है ना मोक्ष का मैं अधिकारी हूँ, और माँ तेरी ममता बातों में हृदय से आभारी हूँ, माँ तेरी ममता बातों में हृदय से आभारी हूँ, और मेरी हर ऊंचाई के पीछे मैया तेरी मेहनत है, मैं चाहे अंबर छू जाऊं चरणों की धूल तुम्हारी, मैं चाहे अंबर छू जाऊं चरणों की धूल तुम्हारी। बड़े भाई बड़े भैया जो बसपा के पूर्व प्रदेश के भाई रहे, इनका भी समय समय पर प्यार मिलता रहता है और इस हरदोई की पवित्र भूमि पर पहली बार आया हूं, तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी कविता प्रारंभ करूंगा और अपना स्थान लूंगा। अभी इन्होंने मुझे संविधान भेंट किया तो मुझे एक कविता याद है, यहाँ से मैं स्टार्ट होऊंगा। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुष्य मंडी का दहन किया था, क्यों किया था, कि वो तमाम कानून, वो तमाम किताबें जो इंसान को
किताबें, वो कानून, वो धर्म किसी काम का नहीं। तो यहाँ से मैं अपनी कविता शुरू करूंगा कि अग्नि दी थी तुमने बाबा, अग्नि दी थी तुमने बाबा मनु के विधान को। आदरणीय सुशील भैया, अग्नि दी थी तुमने बाबा मनु के विधान को, करते हैं हम नमन सब देश के संविधान को। अग्नि दी थी तुमने बाबा, बाबा साहब लंदन तक जाकर हमारी लड़ाई लड़े कि जाके लंदन तक लड़े तुम हक की लड़ाई जी, जाके लंदन तक लड़े तुम हक की लड़ाई जी, तब कहीं हम शोषितों ने ली थी कुछ अंगड़ाई जी, तब कहीं हम शोषितों ने ली थी कुछ अंगड़ाई जी, छीन लाए गांधी से हक, छीन लाए गांधी से हक बहुजनों के सम्मान को, करते हैं हम नमन सब देश के संविधान को। अग्नि दी तुमने बाबा मनु के विधान को, करते हैं हम नमन सब देश के संविधान को। बाबा साहब जब लंदन पढ़ने गए तो स्कॉलरशिप जो मिलती थी इतने पैसे नहीं मिलते थे कि वो अपना दो समय का खाना भी खा सके। तो तब मैं यहाँ से कहता हूँ कि रात रात भूखे रहकर शिक्षा ये कमाई थी, रात रात भूखे रहकर शिक्षा ये कमाई थी, सो सके हम चैन से सब नींद भी गवाई थी, सो सके हम चैन से सब नींद भी गवाई थी। अभी एक नेता जी आए थे, मैं उनकी बात सुन रहा था, उनके बलिया से भी कह रहा था, वो कह रहे थे कि हम अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं, एहसान कर दिया बहुत बहुत साधुवाद। आप जितनी महिला बैठे चाहे किसी भी वर्ग की हो, आप अपने चमड़ी के अगर जूते पहना कर भी बाबा साहब को ऊपर कर देंगे तब भी आप उनका कर्ज उठा पाएंगे। क्यों? उन्होंने जितना कर दिया। इतिहास में दो ही ऐसे आदमी हुए, या तो गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने अपनी चारों संतानें मार दी। एक बार दरबार लग रहा था, जब मुगलों ने उनके चारों बेटे शहीद कर दिए तो उन्होंने पूछा कि साहब ये क्या हो गया, तब उन्होंने कहा था कि चार हुए तो क्या हुआ, जिंदा कई हजार। बाबा साहब ने अपनी चार चार संतानें हमारे लिए मारी, लेकिन हम कितने नाराज हैं, हम कहते हैं अपना कीमती समय निकाल कर आए। आप आए नहीं हो, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर आप नहीं आओगे तो समाज के गद्दार कहलाओगे या सिर्फ अपना राजनीतिक मकसद बुलाने आप आते हो। तब मैं कहता हूं कि रात रात भूखे रहकर शिक्षा ये कमाई थी, सो सके हम चैन से सब नींद भी गवाई थी, सो सके हम चैन से सब नींद भी गवाई थी। किया कुर्बान सब कुछ तुमने, किया कुर्बान सब कुछ तुमने मिशन की जान को, करते हैं हम नमन सब देश के संविधान को। अग्नि दी थी तुमने बाबा मनु के विधान को, करते हैं हम नमन सब देश के संविधान को। अग्नि दी थी तुमने बाबा, और अगली लाइन है कि पशुओं से बदतर जिंदगानी थी हमारी देश में, पशुओं से बदतर जिंदगानी थी हमारी देश में, सांस लेना भी था मुश्किल जातिगत परिवेश में, सांस लेना भी था मुश्किल जातिगत परिवेश में, फिर उगा एक भास्कर, फिर उगा एक भास्कर बहुजनों के निदान को, करते हैं हम नमन सब देश के संविधान को। अग्नि दी थी तुमने बाबा मनु के विधान को, करते हैं हम नमन सब देश के संविधान को। और इस कविता की आखिरी चार लाइनें हैं, दो महत्वपूर्ण आंदोलन बाबा साहब जीवन के हुए, एक कालाराम मंदिर और एक पहाड़ तालाब आंदोलन। कालाराम मंदिर जाने का उद्देश्य बाबा साहब का ये नहीं था कि जब आप सक्सेस हो जाओ तो वैष्णो देवी जाओ, अमरनाथ जाओ, कांवड़ लाओ। कालाराम मंदिर जाने का उद्देश्य फिर वही था, स्वाभिमान की लड़ाई। हमारी टोटल जो लड़ाई रही, जो 2500 वर्षों का हमारे महापुरुषों का इतिहास रहा, स्वाभिमान की लड़ाई और कुछ नहीं है। जब तक स्वाभिमान जिंदा है, जैसे भी एक मेरे पूर्व
पिता कह के गए कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। आपका अगर स्वाभिमान ही मर गया तो आप पशुओं से भी बदतर हैं, दरिद्र हैं आप। तब मैं कहता हूँ यहाँ से कि काला राम मंदिर जाकर दुनिया में छाए थे, काला राम मंदिर जाकर दुनिया में छाए थे, काला राम मंदिर जाकर दुनिया में छाए थे, महर तालाब से पानी पीकर इंकलाब लाए थे, महर तालाब से पानी पीकर इंकलाब लाए थे। लांग गए व्यवधान तुम, लांग गए व्यवधान तुम, बहुजनों के सम्मान को करते हैं हम नमन सब देश के संविधान को। अग्नि दी थी तुमने बाबा मनु के विधान को, करते हैं हम नमन सब देश के संविधान को। और आखिरी चार लाइनें मैं देता हूँ एक पुस्तक की। एक बीमारी है रक्षाबंधन, ये रक्षाबंधन हमारी बहन बेटियों को ये एहसास दिलवाया जाता है कि आप कमजोर हो, आप कमजोर हो, आपको अपनी रक्षा के लिए। अगर मैं मनु स्मृति की अकॉर्डिंग बात करूं कि जब तक बेटी कुंवारी रहेगी तो बाप और भाई उसकी रक्षा करेगा, जब बेटी की शादी हो जाएगी तो हस्बैंड उसकी रक्षा करेगा, और जब हस्बैंड अगर एक्सपायर हो गया तो उसके बेटे उसकी संतान उसकी रक्षा करेगी। तो समय समय पर धार्मिक ग्रंथ आपको एहसास दिलाते हैं कि आप कमजोर हो, लेकिन एक बात तो विश्व का ऐसा ग्रंथ जो आपको स्वाभिमान की भावना जगाता है और बताता है कि आप आगे बढ़ो। आप इतिहास उठाकर देखिए मंदिर का, जब से वैदिक सभ्यता आई, जब से आर्य भारत आए, आप कोई भी एक मंदिर बता दीजिए, कोई भी एक मस्जिद बता दीजिए, कोई भी एक गिरजाघर बता दीजिए जहां पर पुजारी एक महिला हो। लेकिन आप भारत का संविधान देखिए, जब से लागू हुआ, जज महिला, मुख्यमंत्री महिला, राज्यपाल महिला, प्रधानमंत्री महिला, तमाम रास्ते अगर आपके लिए किसी ने बोले, सबसे जो महत्वपूर्ण रक्षा सूत्र है आपका वो भारतीय संविधान है। तब मैं कहता हूँ ये भिन्न भिन्न बोलियां है, भिन्न परिधान है, भिन्न भिन्न बोलियां है, भिन्न परिधान है, और भिन्न भिन्न ऋतुएं हैं, भिन्न खान पान है। ये देश की खूबसूरती है हमारी। हमें जो भारत बनाना है, बौद्ध में भारत का क्या मतलब है, बौद्ध करने का मतलब कोई एक धर्म नहीं है पर्टिकुलर, बौद्ध एक आइडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया है, कलेक्टिव सोच को रिप्रेजेंट करता है बुद्धिज्म। तब मैं कहता हूँ कि भिन्न भिन्न बोलियां है, भिन्न परिधान है, और भिन्न भिन्न ऋतुएं हैं, भिन्न खान पान है। देश की अखंडता को एक सूत्र बांधता, देश की अखंडता को एक सूत्र बांधता, उस रक्षा सूत्र का ही नाम संविधान है, उस रक्षा सूत्र का ही नाम संविधान है। पुनः जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार आकाश जी के लिए। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावास टीवी को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।